गाइस अब तक तो आपको गुड न्यूज मिल गया होगा, नहीं मिला है तो सुन लो, आज फ्री फायर इंडिया का एक गुड न्यूज मिला है, वो भी ऑफिशियली, पिछली बार की तरह गलती से नहीं बता रहा हूँ आपको, आज ऑफिशियली फ्री फायर इंडिया का एक गुड न्यूज मिला है। नहीं मिला था ऐसा बोल सकते हैं, क्योंकि मैं आपको बताता हूँ अभी क्या हुआ है। आज बहुत कुछ हो गया भाई, आज ऐसे ऐसे न्यूज मिले फ्री फायर इंडिया के, मैं सुनकर एक्साइटेड भी हुआ फिर मूड खराब भी हो गया मेरा। क्या हुआ गाइस, देखो आज से दो दिन पहले गरिना ने ऑफिशियली एक न्यूज बताया था कि इस बार FFWS होने वाला है, यानी फ्री फायर वर्ल्ड सीरीज जो टूर्नामेंट है वो होने वाला है ब्राजील के अंदर नवंबर में। इस न्यूज के अंदर गरिना ने इंडिया को भी मेंशन किया था। यहाँ पर देखो, यहाँ पर सारे कंट्री के नाम है, जो जो कंट्री के टीम इस टूर्नामेंट के अंदर खेलेंगे, और यहाँ पर देखो इंडिया का भी नाम है, मतलब इंडिया का टीम भी इस टूर्नामेंट के अंदर खेलेगा। ये गरिना ने ऑफिशियली बताया था और यही था गुड न्यूज, क्योंकि इंडिया का टीम अगर खेलेगा तो उसके लिए फ्री फायर इंडिया का होना भी जरूरी है। अगर फ्री फायर इंडिया नहीं आएगा तो इंडिया का टीम यहाँ पर खेल ही नहीं सकता, इसीलिए इसे देखकर सब लोग खुश हो गए। सबको लगा कि भाई अब तो फ्री फायर इंडिया आने वाला है, क्योंकि अगर टूर्नामेंट होगा नवंबर में उससे बहुत पहले ही फ्री फायर इंडिया को आना पड़ेगा, करीब 4-5 महीने या फिर 6-7 महीने पहले, तभी जाकर इंडिया का टीम FFWS में खेलेगा, क्योंकि उससे पहले भी एक टूर्नामेंट होगा FFIC फ्री फायर इंडिया चैंपियनशिप, और उसमें जो भी टीम जीतेगा टॉप करेगा वो टीम जाएगा ब्राजील फ्री फायर वर्ल्ड सीरीज खेलने के लिए, FFWS को खेलने के लिए। तो इसीलिए ये गुड न्यूज था हमारे लिए, आपको भी पता चल गया होगा, वीडियो अगर आपने देखा होगा बहुत सारे यूट्यूबर्स ने वीडियो बना के बताया था, बट मैंने अभी जब जाकर चेक किया तो यहाँ पर मैंने देखा जो इंडिया था इंडिया को यहाँ से हटा दिया गया। ये देखो पहले यहाँ पर इंडिया को मेंशन किया गया था, इंडिया था यहाँ पे, बट अभी नहीं है, अभी गरिना ने इसको हटा दिया। तो यही था मेरा गुड न्यूज से लेके मूड खराब होने तक का सफर। आज दोपहर को जब मुझे पता चला था मैं बहुत खुश हो गया था देखकर, बट अभी मैंने जाकर चेक किया तो भाई हटा दिया इंडिया को वहां से, तो अभी बहुत मूड खराब हो चुका है मेरा। क्या बताऊं यार, क्या कर रहे हैं ये लोग पता नहीं, जो भी क्लियर कर दो ना, आएगा नहीं आएगा, कब आएगा, डेट वेट कुछ तो बताओ, हम उसी उम्मीद पर रहे। ये लोग कुछ बता नहीं रहे और ऊपर से गुड न्यूज छोटा छोटा देते हैं, फिर उसको मिटा देते हैं, भाई क्या कर रहे हो। तो यही था गाइस फ्री फायर इंडिया का जो भी अपडेट था मैंने आपको बता दिया। अब चलो बात करते हैं आज के टू नाइट अपडेट के बारे में। गाइस आज सुबह के 4 बजे के बाद जैसे ही आप गेम ओपन करोगे आपको ये लेस इज मोर का बैनर देखने को मिलेगा, और हाँ इसका बैनर चेंज हो गया है, पहले ये वाला बैनर मिला था बट अभी ये बैनर मिला है, ये बैनर आपको आज सुबह के 4 बजे के बाद देखने को मिल जाएगा। और इस बैनर के ऊपर क्लिक करते हैं आपको लेस इज मोर इवेंट देखने को मिलेगा, जिसके अंदर आपको बहुत ही सस्ते में डायमंड मिलेगा, बहुत ज्यादा डिस्काउंट में, सिर्फ 120 या 160 रुपए में मिलेगा 520 डायमंड, अगर आपके आईडी में 50 से कम डायमंड होगा तभी, क्योंकि लेस इज मोर इवेंट है, जितना कम डायमंड आपके आईडी में होगा उतना ज्यादा आपको डिस्काउंट मिलेगा। तो कल बस ये इवेंट आने वाला है और इसके अलावा कुछ भी नहीं है, बस इतने था आज की वीडियो में। तो वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मैं मिलता हूं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद जय भारत गाइस।